वाञ्छाकल्पितवृक्षकृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है गुरु वैष्णवों की दया से। हम सभी 18वें अध्याय के अंतर्गत चर्चा चल रही है, जिसको कि सारे अध्यायों का उपसंहार अर्थात सारे अध्यायों का सार कहा गया है, जिसमें अर्जुन ने सन्यास और त्याग को लेकर के प्रश्न किया था। कुल मिलाकर के त्याग और सन्यास कितना जरूरी है, ये इस अध्याय के द्वारा पता चलता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत सारी बातें कहे, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन होता है उसे लास्ट में कहा जाता है। तो जो कंक्लूजन है वो लास्ट में बताया जा रहा है, जिसमें कि प्रश्न संन्यास और त्याग को लेकर के अर्जुन के द्वारा जब किया गया, तो भगवान ने अलग अलग विद्वानों के बारे में कहा कि विद्वान लोग कैसा सोचते हैं, और भगवान ने कहा कि मेरा मत क्या है उसको भी तुम ध्यान से सुन लो। भगवान ने फिर अपना मत दिया, भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तपस्या आदि के जो कर्म हैं इनको तो किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए, ये तो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, विशेष रूप से तीन क्रियाएं यज्ञ दान और तपस्या। बस भगवान ने यही आदेश दिया कि व्यक्ति को इन कार्यों को करना चाहिए, लेकिन कर्तृत्व भाव का त्याग करके मैं कर रहा हूं, और साथ में ये भी त्याग करना चाहिए, 6वें श्लोक में बताया 18वें अध्याय के भगवान ने आदेश दिया कि उस कार्य का जो फल है उसके प्रति भी आसक्त नहीं होना चाहिए। मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इस कार्य को मैंने यज्ञ किया है तो यज्ञ का फल मुझे ये मिलेगा, मैं दान कर रहा हूं तो मुझे दान का फल ये चाहिए। मान लो मैंने किसी को 10 रुपया दान में चढ़ा दिया, तो मैं सोचता हूँ दूसरे दिन से मेरा 10,000 रुपया पगार में प्रमोशन हो जाना चाहिए, पगार बढ़ जाए मेरी, 10,000 रुपये बढ़ी नहीं अभी तक, इससे अच्छा तो मैं कैसे दान करूँ। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि दान बाद में करेंगे, वो कह रहे पहले बढ़ जाए तब दान में करेंगे। एक घर में हम गए कल परसों, तो बोले प्रभु जी कुछ धंधा पानी नहीं चल रहा, आप थोड़ा धंधा पानी चलवा दो तो फिर मैं 25% दान दूंगा, चिंता मत करो। तो एक इतनी छोटी वृत्ति है कि जैसे भगवान तुम्हारे दान के ऊपर ही बेचारे निर्भर है, भूखे मर रहे हैं, ना भगवान पहन पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना खिला पाएंगे किसी को। तो कैसा आश्चर्य होता है, इस संसार में व्यक्ति फलों से कितना आसक्त है, पहले उसको फल चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कर्तव्य कर्तव्यान इति मे पार्थ, इन सभी कार्यों को तो कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। जैसे हम किसी का पैसा ले लेते हैं, हमें होश रहता है कि भाई उसका पैसा चुकाना है हमारा कर्तव्य है, हम स्कूल में आए पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है, मनुष्य शरीर लिया हमने भक्तों की संगति करना हमारा कर्तव्य है। अगर मनुष्य शरीर पाकर के हम अपना ही संगति दूसरों को देने में तुले हुए हैं, अपना ही प्रभाव दूसरों पर झाड़ने में तुले हुए हैं, तो ये हम अपने जीवन को कर्तव्य को भुला बैठे हैं। ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया है, भगवत कथा सुनना, भगवत कार्य को श्रवण करना हमारे लिए कर्तव्य है। इस प्रकार से भगवान ने घोषणा कर दिया 5वें और 6वें अध्याय में कि कार्यों को नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि कार्यों के कर्तृत्व को त्यागना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, और कार्य से जो फल प्राप्त होने वाला है उस फल को त्यागना चाहिए।
इसके पश्चात भगवान ने तीन प्रकार के त्याग को बताया कि तामसी त्याग क्या होता है, राजसी त्याग क्या होता है और सात्विक त्याग क्या होता है। तामसी त्याग उसको कहते हैं कि जिसमें निर्देशित जो कर्म बताए गए हैं, शास्त्र कहता है सुबह जल्दी उठना है, शास्त्र कहता है कि गीता की क्लास सुननी है, शास्त्र कहता है भागवतम की क्लास सुननी है, शास्त्र कहता है जप करना है, शास्त्र कहता है हमें भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, जीवन का उद्देश्य भगवान और भक्तों के लिए होना चाहिए, इसको कोई व्यक्ति त्याग देता है तो उसे तामसी त्याग कहते हैं। त्यागना चाहिए था मांसाहार, मदिरापान, विम्सिकल नेचर, इन सब चीजों को त्यागना चाहिए, उसे तो त्याग नहीं रहे। क्या किया, जो बताया गया है करने के लिए उसी को त्याग दिया, तो वो तामसी त्याग। दूसरा राजसी त्याग कौन सा होता है, बोले राजसी त्याग में पता है कि जप करना सुबह में जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वकालत के सारे कार्यों को पहले संभाल लेना। हमारे एडवोकेट दयाशंकर जी जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं प्रभु जी अभी थोड़ा सा मंथ एंडिंग है इसलिए सारी फाइलों को कंप्लीट कर लो पहले, बाद में कथा सुनो। अरे जीवन का कोई भरोसा है क्या, कल का दिन भी हमारे पास है या नहीं, कौन जानता है। तो कई बार दुख घेर लेता है कि ये करूं या ये करूं, सारी रात तो बोले जागता रहा, 3 घंटे मात्र सोया, और ज्यादा जप करूंगा तो फिर बोले और कष्ट बढ़ जाएगा शरीर का, फिर तो बीमारी हो जाऊंगा, धराशायी हो जाऊंगा। एक व्यक्ति प्रभुपा जी को कहता है प्रभुपाद मैं क्या करूं। प्रभुपा जी ने पूछा था अचानक से, भाई 16 माला पूरी हो रही है क्या सब ठीक। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, मेरी नहीं हो रही प्रभुपाद। बोले क्यों, बोले मैं मात्र 2 ही घंटा सो पाता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ। रूपा जी कहते ठीक है वो 2 घंटा सोना कम कर दो, और 2 घंटे में और जप कर लिया। जब तुम्हें बाकी चीजों का इतना अर्जेंसी नजर आ रहा है तो 2 घंटा जो तुम्हें भजन के लिए है उसमें उतना अर्जेंसी क्यों नहीं नजर आ रहा है, उसको भी अर्जेंट बेसिस पर करना चाहिए। उल्टा पहले 2 घंटा सबसे पहले दिन की शुरुआत भजन से करनी चाहिए, बाकी जो होगा सो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरे लोगों को बोलना चाहिए मैं कैसे करूं, भाई मैं भागवत सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, मैं गीता सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कुल मिलाकर के मेरे पास मात्र 4 घंटे बचते हैं, लगे तो नौकरी पे रखो नहीं तो मैं चला जा रहा हूँ। अब 4 घंटे तो सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा उनको बोलना चाहिए, लेकिन उनको ना बोल करके भक्तों को बोल देते हैं प्रभु जी क्या करूं मैं बस 3 घंटा सोता हूँ, 3 घंटे सोते हो 2 घंटा और सोना कम कर लो, लेकिन ये कार्य जरूरी है। इसलिए हम अपने दुख को ध्यान में रखते हो कि शरीर को कष्ट हो जाएगा, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे बीमार हो जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, छींक आ जाएगी, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम क्या करते हैं, भक्ति के निर्देशित कर्मों का त्याग कर देते हैं, वो राजसी त्याग कहलाते हैं। जानते हुए दुख ना हो जाए, शरीर को कष्ट ना मिले, इसके चलते त्याग कर देते हैं, ये राजसी त्याग। सात्विक त्याग कौन सा है, बोले सात्विक त्याग में वही बात आ गई जिसमें कर्तृत्व का त्याग किया जाए कि मैं कर रहा हूं, और जो उससे परिणाम में फल आने वाले हैं उस फलों का त्याग किया जाए। संसार में व्यक्ति को स्वर्ग आदि के भी फल प्राप्त हो उनका भी त्याग करना अनिवार्य है, वो सात्विक त्याग है। आगे भगवान ने कहा कि 10वें अध्याय में, 10वें श्लोक में, 18वें अध्याय के, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो सतोगुण में व्यक्ति आ जाता है वो व्यक्ति फिर क्या गलत कार्य है क्या सही कार्य है उसको इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, उसको लेना देना होता मुझे करना क्या है, मुझे आदेश क्या दिया जा रहा है। आदेश पोंछा लगाने का दिया जा रहा है तो वो क्वालिफाइड इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वकील है, वो पोंछा लगाएगा, ये नहीं सोचेगा पोंछा लगाना मेरा काम है क्या, ये नहीं सोचेगा टॉयलेट साफ करना मेरा काम है क्या, ये नहीं सोचेगा बर्तन धोना मेरा काम है क्या, वो हर कार्य को करेगा, किसी भी कार्य से आसक्त नहीं होता, ना ही किसी भी कार्य से घृणा करता है, उसको जो बोला जाएगा वो निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि वो सत्व में समाविष्ट है, सत्वगुण के अंदर समाविष्ट है, इसलिए उसे बुद्धिमान कहा जाता है। मेधावी छिन्न संशय, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, उसको पता है मेरा दिमाग का कोई काम लेना देना है ही नहीं, मेरा एक ही काम है दिमाग का, जो आदेश दिया गया उस कार्य को मैं और अच्छी तरह से कैसे करूं।
तो त्याग का ये वास्तविक अर्थ है। 11वें श्लोक में बताया भगवान ने कि अरे भैया तुम सोचो कि मैं सारे कामों को त्याग करके, त्याग समझ करके सारे कामों को ही छोड़ दूंगा, बोले ऐसा संभव नहीं। नहीं देह व्रता शक्यम त्यक्तुम तुम कर्माणि अशेषतः, तुम कर्मों को तो पूरी तरह से जिसने देह धारण किया है त्याग ही नहीं सकते, आपको कार्य तो किसी न किसी में लगना ही पड़ेगा। तुम क्या त्याग करने की चेष्टा करो, कार्य के फल का त्याग करने की चेष्टा करो, तभी तुम सच्चे त्यागी माने। कोई व्यक्ति अगर ऐसे कार्यों का त्याग नहीं करता, अर्थात फल का त्याग नहीं करता और अहंकार का त्याग नहीं करता, कर्तृत्वपने का त्याग नहीं करता, उसको क्या प्राप्त होता है? 12वें श्लोक में बताया, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, उसको तीन प्रकार के फल मिलते हैं, या तो उसे नरक मिलेगा, या दुख रूपी फल मिलेंगे, या उसकी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए स्वर्ग आदि मिल जाएगा, या उसकी इच्छित फल मिलेंगे अर्थात सुख मिलेगा, या मिश्रित सुख और दुख मिलेगा इस संसार में। अर्थात वो 84 के चक्र से नहीं निकल पाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या बीच में रहेगा। त्रिविधम कर्मणा फलम, इसलिए ये निश्चित रूप से मिलेंगे किसको? भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, जो अत्यागी हैं, जो त्यागी नहीं बन पाए, जिन्होंने फलों का त्याग नहीं किया, जिन्होंने अहंकार का त्याग नहीं किया, उनको ये तीन प्रकार के फल मिलेंगे। न तो संन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी हैं अर्थात जो वास्तव में अहंकार का और फल आसक्ति का त्याग कर चुके हैं, तो लोग ऐसे फलों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को, वैकुंठ रूपी फल की प्राप्ति करते हैं भगवान के धाम को। 13वें श्लोक में बताया, कोई सोचे हम काम करें और फल कोई दूसरा भोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? फल के बारे में, त्याग करने के बारे में इतना जोर क्यों दे रहे हैं भगवान? जोर इसलिए दे रहे हैं, काम तुम करने वाले नहीं हो, काम भी भगवान ही कर रहे हैं, इसलिए फल भी भगवान को ही देना चाहिए। कैसे भगवान काम कर रहे हैं? भगवान यहाँ 13वें श्लोक में बता रहे हैं, पंचैतानि महाबाहो, हे मूर्ख, हे अर्जुन, बोले महाबाहो पांच कारण होते हैं, मूर्ख तो हमारे लिए भगवान घोषित कर रहे हैं यहाँ, महाबाहो अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो पांच कारण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, कारणानि निबोध में, इन पांच कारणों को निबोध माने अच्छी तरह से जान लो तुम मुझसे, मैं मतलब मुझसे कौन से हैं? बोले जिनकी वजह से कोई भी काम सिद्ध होता है, हो जाता है। सांख्ये कृतांते प्रोता प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम, सारे कर्म सिद्ध होते हैं उसके पीछे पांच कारण होते हैं, एक भी कारण अगर उसमें कम पड़ गया तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। पांच कारण कौन कौन से होते हैं? अधिष्ठानम चथा तथा कर्ता, अधिष्ठानम मतलब शरीर, कर्ता मतलब आत्मा, करणम मतलब इंद्रिया, च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, चौथा कारण चेष्टा, दैवम पांचवा कारण भगवान। ये पांच कारण, च एवात्रम पंचमम, ये पांच कारण किसी भी कार्य को करने के लिए चाहिए। पहला कौन सा है? शरीर, दूसरा इंद्रिया, तीसरा कर्ता के रूप में आत्मा, चौथा चेष्टा जो प्राणों से उत्पन्न होती है, प्राण को हिलाते हैं भगवान, चौथा कारण प्राण, और पांचवा कारण भगवान। इसलिए इन पांच कारणों को हमें समझना चाहिए, और इसमें मुख्य कारण भगवान है। शरीर भी भगवान के द्वारा दिया गया है, इंद्रियां भी भगवान के द्वारा दी गई हैं, प्राणों को भी भगवान ही प्रेरित करते हैं, और आत्मा की भी उत्पत्ति भगवान के ही अंश रूप में मानी जाती है। इस प्रकार से मुख्य कारण अंततः भगवान ही है। जो व्यक्ति भगवान को मुख्य कारण समझता हुआ, भगवान का आदेश का पालन करता हुआ, अच्छे या गलत कार्य को करता है, उसको न अच्छे का फल भोगना पड़ता है, न गलत का फल भोगना पड़ता है, वो भगवान जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। ध्यान देने वाली बात है, हम अपने अहंकार को छोड़ करके जैसे हम सोचते शरीर तो मेरा है साहब, शरीर मेरी वजह से हिल रहा है डुल रहा है, अरे साइंस भी इस बात को कह रहा है कि शरीर पर तुम्हारा वश मात्र 5% है, उससे ज्यादा तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा वश नहीं है। किडनी काम नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। पेनक्रियाज काम नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, क्या कर सकते? लीवर फैटी हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते? हमारे वश में हमारा शरीर नहीं है, शरीर भगवान के वश में है एक्चुअली। इसलिए जो भगवान को मुख्य कारण समझता हुआ, और जो भगवान को मुख्य कारण समझेगा, उसकी पहचान क्या है? बोले वो भगवान के आदेश का पालन करेगा।
अपने को जितना आदमी मुख्य मानेगा वो अपनी इच्छा चलाएगा, जितना भगवान को मुख्य कारण मानेगा उतना ही वो भगवान के आदेश का पालन करेगा। वेरी सिंपल। और जब भगवान के आदेश का पालन करता वो कुछ भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, तो भी उसका जिम्मेदार वो नहीं है, उस समय उसका फल भगवान को प्राप्त, गलत का भी फल भगवान भोगेंगे और अच्छे का भी फल भगवान भोगेंगे, क्योंकि वो सात्विक करता है, उसको खुद तो फल भोगने की चेष्टा करनी नहीं, भगवान जैसे रखें प्रसाद रूप में उसको वैसे स्वीकार करता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का और सतोगुणी व्यक्ति का या तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बोले वो व्यक्ति भगवान को कारण अधिक मानते हुए भगवान के आदेश पर काम करता है। सिंपल, आपको समझ आया होगा आसानी से। मनुष्य आगे भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि जो तीन प्रकार से कार्य होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से, शरीर वाक मनोभिर्य कर्म प्रारब्ध ते नरह न्यायम वा विपरीत वा पंचयिते तस्य एतव। वही बात आगे, न्याय उचित कार्य करने चाहिए जो इन तीन रूप में होते हैं, अर्थात वाणी न्यायोचित बोलनी चाहिए, अन्याय से भरी वाणी नहीं निकलनी चाहिए, न्यायोचित शरीर से काम होना चाहिए और न्यायोचित मन में भी सोचना चाहिए। ये कब होता है? जब हम शास्त्र से सुनते हैं। न्याय हाई कोर्ट वाला न्याय अन्याय की बात नहीं है कि हाई कोर्ट में ये न्याय होता है और ये अन्याय होता है, नहीं, सबसे बड़ी कोर्ट भगवान के शास्त्र है। शास्त्र जो कह रहा है यहाँ पर, तात्पर्य में आप देखेंगे, सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना होती है। अनुचित क्या है? जिसमें शास्त्र की अवहेलना हो, और उचित क्या है? शास्त्र का पालन करना हो, अर्थात भगवान का आदेश पालन करना वो न्यायोचित कार्य हो गया, और भगवान के आदेश का उल्लंघन करना, गुरु जी के आदेश का उल्लंघन करना, शास्त्र के आदेश का उल्लंघन करना वो अन्याय हो गया। अन्याय का परिणाम क्या है? व्यक्ति को तीन प्रकार के फल मिलेंगे, संसारी सुख मिलेगा या संसारी दुख मिलेगा, या सुख दुख दोनों मिलेंगे, भगवत धाम नहीं मिलेगा, भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। भगवत भक्ति चाहिए, भगवान धाम, भगवान का धाम चाहिए, तो उसको अपने आप को ऊपर उठाना ही होगा और न्यायोचित कर्म करना होगा तीनों चीजों से। वो कैसे होगा? जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस बात को समझ करके कि भगवान ही मुख्य कारण है, हम कारण नहीं है, तो भगवान के आदेश का हमें पालन करना ही है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी यहाँ भगवान बता रहे हैं, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम। तो यह बोले कोई आत्मानम केवलम, केवलम अपने आप को ही कारण मानता है, भगवान को कारण नहीं मानता, तो बोले पश्यत अकृत बुद्धि, उसकी बुद्धि बोले देख करके भी ठीक से देख नहीं पा रही। सब पश्यति दुर्मति ही न, सब पश्यति दुर्मति, वो व्यक्ति देख करके भी ठीक से देख नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि खराब हो गई, बेचारा दुर्मति है। इसलिए हमें अपने आप को ही कारण नहीं मानना चाहिए। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर के अपने आप को कारण न मान करके भगवान को कारण मानता है, उसकी बुद्धि फंसती नहीं, उसकी बुद्धि बंधन में नहीं बनती। हत्वापि स इमाम लोकान, वो हत्या जैसा दुष्कर्म भी कर दे, जघन्य कर्म भी कर दे, उसका भी परिणाम उसको नहीं भोगना पड़ता, वो भगवान देखते हैं, वो भगवान हैंडल करेंगे। तो जब हत्या जैसा पाप कर्म भी नहीं लगता, तो बाकी पाप कर्म उसको कैसे लग जाएंगे? अगर वो शास्त्र के निर्देशन पर कार्य करता है तो हंती न निबध्यते, हत्या करने के पश्चात भी बंधन में नहीं बनता। इसलिए अर्जुन तुम इसकी चिंता मत करो, मेरा आदेश है तुमको युद्ध लड़ना है तो तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, कल हमने क्लास नहीं ली थी तो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हमें मजबूरी में ये एक्सप्लेन करना पड़ा। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान आगे बता रहे हैं बड़ी स्पष्टता के साथ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग पर। तीन चीजें, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ध्यान दें, परिज्ञाता, ज्ञाता कौन है? जो जानने वाला है। ज्ञेयम मतलब कोई वस्तु जिसके बारे में हमें जानना है, ज्ञानम मतलब
उस वस्तु के बारे में जो जानकारी है उसे ज्ञान कहते हैं। तीन चीजें लगती हैं, कौन कौन सी? ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, अर्थात जानकारी, वस्तु और जानने वाला, तीन चीजें चाहिए। त्रिविधा कर्म चोदना, बोले ये तीन प्रेरक होते हैं किसी भी कार्य के पीछे। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे प्रेरणा भी होती है ना। कर्म चोदना मतलब कर्म को प्रवृत्त करने के लिए जो विधि है, जो विधान है, वो इन तीन के साथ अन्य तीन भी क्रियाएं हैं जिसको कहते हैं करणम, कर्म करते थी। करणम मतलब उपकरण। उपकरण कौन से हैं? जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है यूज करने के लिए, ऐसे ही हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां किसी भी कार्य के लिए उपकरण की तरह है। तो करणम मतलब शरीर और इंद्रियां, कर्म मतलब कोई कार्य होना, करते थी मतलब जो करता है, कौन है वो? आत्मा। तो ध्यान दें, जैसे किसी ज्ञान योग के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ज्ञानी जिसको कहते हैं, अर्थात ज्ञान चाहिए, ज्ञेय माने वस्तु क्या है, और परिज्ञाता मतलब उस वस्तु को जानने वाला। इसको तीनों को कंपेयर करो एक दूसरे के साथ, जैसे ज्ञानम है ऐसे ही करणम है। कार्य करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए तीन चीजें चाहिए, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता अर्थात जानने वाला। ऐसे ही कार्य करने के लिए करणम, इंद्रियां और शरीर चाहिए, कर्म मतलब जो कार्य हो रहा है और करते थी मतलब कर्ता करने वाला। बोले त्रिविधा कर्म संग्रह, बोले ये तीन कर्म के घटक हैं। कोई भी कार्य तब संपन्न होगा जिसमें ये तीन चीजें चाहिए, कौन सा? शरीर और इंद्रियां, और क्या बोले? जो क्रिया है वो, और क्या बोले? कर्ता जो करने वाला है। तीन घटक होते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, तात्पर्य को जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। भगवान कह रहे हैं, प्रभुपा जी कह रहे हैं, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं। कोई भी दैनिक कार्य हम करते हैं उसकी तीन प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। कौन सी? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ये प्रेरणा आती है सबसे पहले। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खिचड़ी बना रहा है, तो हम किसी को कहेंगे देखो कैसा बना, क्या बना, देखो जरा। तो देखो मतलब क्या है? देखो मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि ये खिचड़ी बनी कि नहीं बनी, कच्ची है, पक्की है, नमक डाला नहीं डाला, टेस्ट कैसा है, ये बहुत सारा ज्ञान हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? गे वस्तु क्या है? खिचड़ी। ज्ञान क्या है? कच्चा होना, पक्का होना, नमक डाला है कि नहीं, धनिया डाला है कि नहीं, वो सब चीजें क्या हो गया? ज्ञान उस खिचड़ी के बारे में। इसलिए तो भेजा जा रहा है, किसी को प्रेरणा दे रहा है कोई व्यक्ति, चलो चलो देख कर क्या हुआ, ये बाल भोग में खिचड़ी तैयार हुई कि नहीं हुई। दूसरा है गे वस्तु क्या है? बोले वस्तु है प्रसाद का भोग, जो भोग बना रहे। ज्ञाता कौन है? बोले वो भक्त है, थोड़ा जाकर के चेष्टा कर रहा है उसको जानने की। तो दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा, ये प्रेरणा का स्रोत है। दूसरा है कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। अर्थात कर्म कैसे होगा? करण से। करण कौन है? इंद्रियां और शरीर। अब भेजा तो जा रहा है, प्रेरणा तो हो रही है, लेकिन बिना शरीर के हो जाएगी क्या? जीभ लगेगी कि नहीं टेस्ट करने के लिए? हाथ लगेगा कि नहीं चावल को मसलने के लिए कि भाई चावल पक गया कि नहीं पक गया है? चम्मच लगेगी कि नहीं अंदर से निकाल करके उसको देखने के लिए? तो ऐसे उपकरण लगते हैं, इसको करण कहते हैं। फिर स्वयं कर्म अर्थात क्रिया भी चाहिए, क्या करना है? बोले चेक करना है। और कर्ता,
व्यक्ति भी चाहिए। अब प्रभुपाद जी क्या लिखा रहे हैं बता रहे हैं, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। अर्थात दो प्रकार की बातें हुई, एक प्रेरणा और एक कार्य। प्रेरणा के लिए तीन चीजें चाहिए थी, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कार्य के लिए तीन चीजें चाहिए थी, करण, कर्म और कर्ता। समझ आ रहा है? कुल मिलाकर के छह चीजें चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, समझ रहा हूं मैं कि ऊपर से जा रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन कठिन को बार बार रिपीट करने से वो आसान हो जाता है। कठिन को बार बार दोहराने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए समझ गए होंगे आप, ज्ञान के जैसा ही करण होता है, ज्ञेय के जैसा ही कर्म होता है, ज्ञाता के जैसा ही कर्ता होता है। करेक्ट। कुल मिलाकर के छह चीजों से कार्य संपन्न होता है। यही तत्व रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। कार्य होगा तो उससे पहले कुछ प्रेरणा आएगी ना। जैसे बोले नींद आ रही है तो क्या प्रेरणा मिल रही, पहले थोड़े जमाई ले लेते हैं। हाँ, नींद आ रही है, सुबह से उठे तो थोड़ा जमाई लेकर के इसको दूर करने की चेष्टा करें। अब जैसे प्रेरणा, पहले आज मुझे गीता सुनना है, कल बंक हो गया था, मेरी वजह से नहीं हुआ था, प्रभु जी की वजह से हुआ था, प्रभु जी ने छुट्टी मार दी थी, आज शायद आएंगे प्रभु जी, तो चलो आज मेरे को क्लास सुनना है। तो ये प्रेरणा अंदर से भगवान दे रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से हो रही है प्रेरणा। तो सबसे पहले क्या होती है, बोले कुछ ना कुछ प्रेरणा होती। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। ध्यान दें, बहुत विशेष लाइन है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल, कोई भी कार्य हम करेंगे उससे जो फल प्राप्त होगा, बोले वो कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। सबसे पहले फल आएगा, जैसे मान लो हलवा बनकर के आएगा और हम उसे खाएंगे, उससे पहले क्या होगा, वो सूक्ष्म रूप में वास्तविक बन जाएगा। सूक्ष्म रूप में मतलब बैठे बैठे जप कर रहे हैं और दिमाग में वास्तव में चीजें चालू हो जाएंगी। हाँ, सूजी है कि नहीं है, सूजी का बनाना है या आटे का बनाना है या दाल का बनाना है, दिमाग में पहले डिसाइड हो जाएगा कि हाँ चलो आज सूजी का बनाएंगे। आटे का तो संडे प्रोग्राम में बनाते हैं, सस्ता पड़ जाता है, दूसरों को खिला देते हैं, अपने लिए सूजी का बनाएंगे। अच्छा, सूजी का हलवा बना है तो भून के बनाना है या बिना भूने बनाना है, तो सूजी अपने आप भून जाएगी दिमाग में पहले। फिर सोचेंगे अच्छा घी में फ्राई करके भूनना है या खाली ऐसे ही तेल में फ्राई कर देना है। तेल में क्यों, अपने लिए बना रहे हैं ना, चलिए घी में बनाते हैं। भगवान के लिए बनाना तो हो सकता है चलो तेल में बना लेते थे, लेकिन आज तो हम अपने लिए बना, चलो घी में भून लेते। घी में भून लिया, फिर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो दांत के नीचे बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी, बड़ा आनंद आएगा। पिछली बार तो बिना ड्राई फ्रूट्स का मिला था, जब हम अमृतसर गए थे अनसिका माता ने ऐसे ही खिला दिया था, नहीं इस बार हम ड्राई फ्रूट्स डाल करके खाएंगे, तो ड्राई फ्रूट्स डल जाएंगे उसमें भून करके घी में। उसके बाद फिर बढ़िया दिमाग में आएगा कि बांट के खाना है या बिना बांटे खाना है। बन के तो तैयार हो गया, ऊपर से पिस्ता भी थोड़ा सा डाल दिया। भोग भोग तो लगाने की खैर जरूरत इतनी है नहीं, भोग लगाने जाएंगे तो घंटी की आवाज होगी, चार लोगों को पता चलेगा, भगवान के साथ साथ में बांटना पड़ेगा। छोड़ो झंझट भोग लगाने का, मानसिक भोग लगा देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है, त्वमेव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि। और फिर प्रसाद लेकर के बैठ जाएंगे और फिर बढ़िया पेट भी भर जाएंगे। कुल मिलाकर के सारी घटना सूक्ष्म रूप में घटित हो गई, ऐसा होता है। इसके बाद वो वास्तव में बनेगी, दो प्रकार के कार्य। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। कितनी स्पष्टता से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसे प्रेरणा कहते हैं। ये सारी चीजें प्रेरणा के अंदर आती है। और यह प्रेरणा चाहे, अब देखो बहुत विशेष बात है जिसको हमें जीवन भर के लिए याद रखना है,
और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। अब होनी चाहिए ये प्रेरणा प्राप्त हमें शास्त्रों से या गुरुजी से, और ये प्रेरणा अलग अलग नहीं होगी। गुरुजी और शास्त्रों से जो प्रेरणा होगी एक सी होगी। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। इस प्रकार से हमने वो कार्य संपन्न किया। पहले क्या हुई प्रेरणा, उसके बाद क्या आया कर्म, और छह चीजों का मिल करके इस प्रकार से कर्मों का जनरेशन हुआ। छह चीजें कौन सी थी? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, करण, कर्म, कर्ता। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है, उसको कहते हैं ज्ञान, जो प्रेरणा का स्रोत बनता है। जैसे मान लो अभी हम कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मान लो किसी दिन हमने जप की महिमा सुनी, तो अपने आप ही मन करेगा कि नहीं कि मैं दो माला बढ़ा देता हूँ आज से। एकादशी की महिमा सुनी तो अपने आप ही मन करेगा कि नहीं मुझे एकादशी करनी है। ऐसे ही भगवान के कर्ता होने की महिमा सुनी कि भगवान ही मुख्य कर्ता है, तो फिर अपने आप में झंडा गाड़ने की चेष्टा करेंगे कि मैंने कर्ता बन करके कार्य किया है, भगवान को श्रेय देना सीख जाएंगे। तो हम प्रेरणा पा रहे हैं किसी भी कार्य की, कहां से? जहां से हम उस ज्ञान को सुन रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि हमारी प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, कहाँ से हम प्रेरणा प्राप्त करें किसी भी कार्य करने की। भगवान के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, वो प्रेरणा हमें शास्त्र से और गुरु से प्राप्त। हर प्रेरणा का स्रोत हमारा शास्त्र और गुरु होने चाहिए, क्योंकि शास्त्र और गुरु में कोई अंतर नहीं। उल्टा शास्त्र को हमें पढ़ना पड़ेगा और गुरु जी के द्वारा भी वैसी प्रेरणा मिलने वाली है, इसलिए गुरु जी हमें पढ़ पढ़ा करके बताएंगे, कितना बढ़िया है, उल्टा हमारे लिए सुविधा होती है। गुरु जी कहेंगे बेटा हाथ धो ले, तो शास्त्र में हमें इतना लिटरेचर खोजने की जरूरत नहीं कि हाथ धोने के बाद कहाँ बताया गया है। गुरु जी ने बोल दिया, बस बोल दिया हाथ धोना है। गुरु जी ने बोल दिया बेटा घर छोड़ दे, बस अब शास्त्र में ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, घर छोड़ दे। गुरु जी बोले बेटा नौकरी कर ले, ठीक है गुरुदेव नौकरी कर ले। बहसबाजी करने की बात खत्म। फिर गुरु जी कहते उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मेरे पास आओ तो चले जाओ, दूर जाओ तो दूर चले जाओ। ये गुरुदेव के द्वारा प्राप्त प्रेरणा है। अब ये प्रेरणा कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, या तो गुरु जी से ले लो, या अपने मन से ले लो, या अपनी पत्नी से ले लो। से पत्नी कहती है कम ईयर, बोले यस डार्लिंग। स्टैंड अप, बोले यस डार्लिंग। सिट डाउन, बोले यस डार्लिंग। जैसे जैसे वो नचाती है वैसे वैसे बंदर की तरह वो नाचता है, बाजीगर जैसे नचाता है बंदर को। बोले वो भी तो प्रेरणा ले ही रहा है ना, लेकिन भगवान का जो शास्त्र है उसके द्वारा प्रेरणा वो बहुत जरूरी है। अब प्रभु भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् श्रणु तान्यपि। विशेष बात बता रहे हैं भगवान, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार। अब देखो महत्व तो पहले बता दिया ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञेय का, ज्ञाता का, करण का, कर्म का, कर्ता का। अब इसके बाद बता रहे हैं इन तीनों में से निचोड़ निकालें तो तीन चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहले ज्ञान, दूसरे उसमें से कर्म, और तीसरा कर्ता। बोले ये तीन चीजें होती हैं, ये भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार होती है। जैसे त्याग तीन गुणों के अनुसार बताया था, श्रद्धा तीन गुणों के अनुसार बताई थी, यज्ञ तीन गुणों के अनुसार बताया था, तपस्या तीन गुणों के अनुसार बताया था,
इसी प्रकार से बोले ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये भी तीन गुणों के आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं। इसलिए प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब सुन ही तो रहे थे पहले से, फिर से सुनो, बोलने की जरूरत क्या है? बोले सुनते सुनते बीच में जमाई ले रहे होंगे, या सुनते सुनते इधर उधर देख रहे होंगे, या सुनते सुनते घड़ी देखने लग गए होंगे। बोले अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ भैया, सुनो, बार बार सुनो, हर लेवल पर सुन लो तीनों गुणों को, कि हमें इसमें भी सतोगुनी होना है, इसमें भी सतोगुनी होना है, इसमें भी सतोगुनी होना है, हर सेक्टर में हमें सतोगुनी होना है। रूपा जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? विशेष बात, बहुत ध्यान देने वाला तात्पर्य है। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। पहले ही वर्णन कर दिए भगवान कि कर्ता कैसे तीन गुणों वाला होता है। तीन गुणों वाले कर्ता की पहचान क्या होती है, ज्ञान की क्या पहचान होती है, सब चीजें वर्णन करके आगे। लेकिन 18वां अध्याय सार रूप में बताना है, तो वो बातें भी यहाँ आएंगी आएंगी निश्चित रूप से। तो बता रहे हैं, तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, ध्यान दो, सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। अब ये तीनों के ऊपर लागू होगा, चाहे ज्ञान है, चाहे कर्म है, चाहे कर्ता है। सतोगुणी ज्ञान कैसा होगा? प्रकाशक होगा। सतोगुणी कर्म कैसा होगा? प्रकाशक होगा, दूसरों को लाइटनिंग करने वाला होगा, दूसरों को सही दिशा देने वाला। सतोगुणी कर्ता कैसा होगा? प्रकाशक होगा। ऐसे ही रजोगुणी ज्ञान कैसा होगा? भौतिकतावादी होगा। रजोगुणी कर्ता भौतिकतावादी होगा, रजोगुणी कर्म भौतिकतावादी हो जाएगा। भौतिकतावादी किसको कहते हैं और प्रकाशक किसको कहते हैं? और तमोगुणी कर्ता, तमोगुणी ज्ञान, तमोगुणी कर्म क्या होता है? बोले आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक। इस बात को पहले भी हम समझा करके आए हैं प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से, अभी भी फिर से आपको बता देते हैं, कभी भूलना नहीं। जैसे तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो ज्ञान से बना या अपने कर्मों से बना या कर्ता बन गया जैसे तैसे संगति के प्रभाव से, तो तमोगुणी व्यक्ति की पहचान होती है उसके अंदर तीन लक्षण होंगे, नींद, आलस और प्रमाद। नींद मतलब ज्यादा उसे नींद प्यारी होगी, बहुत सोना पसंद करता होगा, समझ लो उसको तमोगुणी ज्ञान है, या तमोगुणी कार्य किए उसने, या तमोगुणी संगति में पड़े के कर्ता बन गया है। उसकी पहचान क्या है? नींद, आलस्य और प्रमाद। नींद लेना बहुत अच्छा लगेगा। आलस्य किसको कहते हैं? नींद नहीं आ रही है, आंख बंद नहीं हुई है, लेकिन पड़े हुए हैं आंख खोल करके। क्या कर रहे हैं? बोले पंखा देख रहा हूँ कैसा घूम रहा है, हाँ कैसा कलर है इस दीवार का, बैठे हुए बोल दिया थोड़ा एक गिलास पानी ला, अरे मैं ही मिला पानी लाने के लिए, खुद नहीं आप ले सकते, मेरे को ही बोलते रहते हो सब काम, बैठा हुआ है लेकिन आलस, आलस्य। जैसे कि हो नहीं रहा है, कोई व्यक्ति क्लास सुन रहा है लेकिन आलस्य के कारण बार बार ध्यान नहीं है क्लास के अंदर, आंखें खोल करके सुन रहा है, ध्यान आलस्य के कारण जमाई की ओर जा रहा है, हाँ मुंह फाड़ रहा है बेचारा, इधर उधर देख रहा है, बैठा हुआ है लेकिन आलस्य से पूरी तरह से प्रभावित है, ग्रसित है। ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है, नींद और आलस्य, करना कुछ नहीं चाहता, बैठे रहना चाहता है, पड़े रहना चाहता है, सोफे पर भी बैठेगा तो बस लुढ़क जाएगा, जहां बैठेगा वहां उसे कमर का सहारा लेने के लिए, पीठ वगैरह लगाने के लिए उसको दीवार चाहिए, तकिया चाहिए, इतना मतलब कुछ कर ही नहीं सकता।
तीसरा लक्षण होता है उसके अंदर विशेष प्रमाण। अगर कुछ करता भी देखा जाएगा तो क्या फालतू के काम। प्रमाद मतलब मद से प्रकृष्ट रूपेण जुड़ा हुआ। मद मतलब नशा। क्या करेगा? बोले शराब पिएगा तत्परता से। नींद का आलस्य का त्याग करके शराब दौड़ करके लेके आएगा, जिससे नशा आए। मांसाहार करेगा उसमें भी बहुत नशा हो जाता है। भांग खाएगा नशा है, खूब घोट घोट के खाएगा। काम तो कर रहा है लेकिन प्रमाद वाले काम कर रहा है, जिससे नशा हो, बेहोशी आए। तम्बाकू खाएगा घिस घिस करके, घंटा भर घिसेगा। इतनी देर अंगूठा जप करने में नहीं लगाएगा, इतनी देर तम्बाकू घिसने में चूना डाल करके लगाएगा। और तमोगुनी व्यक्ति, नशेड़ी भंगेड़ी जितने भी होते हैं ये सब तमोगुनी व्यक्ति होते हैं, ये सब प्रमाद कहलाता है। या फिर कुछ नहीं कर रहा है, मेरी सुन तू, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। क्या बात बताएगा? मेरा जीजा ऐसा, मेरा साली ऐसी, मेरा ससुर ऐसा है, ये है वो है। हाँ हाँ यही करेंगे, रोना रोएंगे, ये सब प्रमाद के लक्षण है। फालतू में समय का नाश करेंगे, प्रजल्प करेंगे फालतू का। तो जो भी फालतू के गप्पे मारते हैं ना, वो सब प्रमादी कहलाते हैं, जिसका कोई एसेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं। जैसे क्रिकेट देखना, क्या है? बोले फालतू का काम है, उसमें से हमें कौन सा प्राइज मिलने वाला है, लेकिन समय का नाश हो रहा है। ओ क्या छक्का मारा, क्या छक्का मारा, क्या छक्का मारा, क्या चौका, अरे बोल्ड हो गया, बोल्ड। बड़ी तत्परता के साथ देखिएगा। इस प्रकार से फालतू का समय का जो नाश करते हैं वो सब प्रमाद कहलाता है, ये तमोगुण के अंतर्गत आता है। तो तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है, हम अपने आस पड़ोसियों को देख सकते हैं, खुद को तो कोई देखता है ही नहीं। खैर, खुद को ना देख करके कम से कम इस ज्ञान से दूसरों को तो देख पाओगे आप लोग। इतना तो लेकर के चले ही जा सकते हैं हम लोग कि हमारे आस पड़ोस में तमोगुणी लोग तो नहीं रह रहे कहीं, उनसे दूर हो जाओ। अपने अंदर से तमोगुण निकालो ना निकालो अलग बात है, लेकिन आस पड़ोस में ये देख लो कि कौन तमोगुणी है, उससे दूर होने के लिए इतना लक्षण। कुछ लोग तो इसमें ये देखेंगे तमोगुणी किधर है, मेरे को वही चाहिए, प्रभु जी ने बता दिया है, अब मैं उनका सानिध्य ढूंढता हूँ, वो लोग कहाँ मिलेंगे मेरे को। जैसे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, कि मुझे रामचंद्र प्रभु का संग कब मिलेगा। ऐसे हम लोग बोले मुझे तमोगुणी संग मांगे सचिनंदन दास, बाकी आपका तो नाम क्या बोलूंगा, आप सब तो पहले से सतोगुणी हैं। रजोगुणी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बोले वो फालतू में काम नहीं करता, ना नींद लेता है, ना आलसी होता है, वो बहुत क्रियाशील होता है, बहुत तत्पर होता है। बीमार भी हो जाएगा तो दवाई लेकर के काम करेगा वो। भाग दौड़ की जिंदगी में थकना मना है, रिवाइटल लेकर के काम करेगा। क्रियाशील अत्यधिक पाया जाएगा, लेकिन किस लिए? अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छा। जहां से उसे इंद्रियों की तृप्ति प्राप्त होगी, इंद्रिय फलों की प्राप्ति होगी, वहां पर वो दौड़ दौड़ करके काम करता। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसकी पहचान क्या होती है? बोले वो भी बहुत क्रियाशील होता है, लेकिन वो इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता, वो फलों के लिए काम नहीं करता, उसका जीवन साधन बनता है। साधन मतलब वो साधन भक्ति करता है, जो शास्त्र बता रहा है उसको उस आदेश का पालन करता है, बिना किसी फल की आकांक्षा के, बिना किसी अहंकार के। रजोगुणी व्यक्ति अहंकार और फल से आसक्त होकर के कार्य करता है। वो जानता है मैं करूंगा तो खाऊंगा, वो बोले मैं घर चला रहा हूं, मेरी वजह से तुम लोग खा रहे हो पी रहे हो, मैं अगर तुम लोगों को पैदा नहीं किया होता तो तुम्हें क्या भगवान पेट भर देता तुम्हारा, इसलिए तुम लोग मेरी बात सुनो। वो अपना धाक जमाएगा, अपनी चलाएगा दबा करके। तो उसके अंदर ये सोच के बैठा रहता, मैं नहीं कमाऊंगा तो ये लोग तो भूखे मर जाएंगे, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही पैदा किया, जैसे उसको तो किसी ने पैदा किया ही नहीं, जैसे वो सब भुला देता है, केवल अपने बारे में याद रखता है, इसलिए अपने आप को कर्ता मानता है और फलों से बहुत अधिक आसक्त होता है, उसे रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। सतोगुणी व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता, इसलिए आदेश का पालन करता है। आदेश का पालन करने के साथ ही वो फलों से भी आसक्त नहीं होता,
वो भगवान को फल के रूप में देखता है, वो पवित्रता को फल के रूप में देखता है, वो अपनी शुद्धि के फल के रूप में देखता है। वो चाहता है मैं कब शुद्ध होऊंगा, बस ये लक्ष्य बना करके सभी क्रियाशील होकर के नित्य कार्य में लग जाता है। अब आप आसपास में देख लेना कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है और कौन तमोगुणी है। रूपा जी यहाँ लिखना है, रजोगुणी भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। अब तीनों गुणों के परिणाम बताएंगे, तीनों गुणों का स्थिति बताएंगे भगवान के, तीनों गुणों के आधार पर लोगों की स्थिति क्या होती है। भगवान 20वें श्लोक में बता रहे हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययम अमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद् ज्ञानम विधि सात्विकम। क्या कह रहे हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अर्थात ज्ञान कैसा होना चाहिए, बोले सारे जीव अनंत रूपों में विभक्त हैं, लेकिन अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति सबके अंदर आत्मा है। वैरायटीज हैं लेकिन सबकी आत्मा एक जैसी है, सबके अंदर वही भगवान विराजमान। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं इस बात को। सात्विक ज्ञानी कौन है, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा ही हो, एक ही आत्मा को देखता है। वो ऐसा नहीं सोचता ये तो चींटी है, ये तो ये है, ये तो वो है, नहीं, ट्रक को चलाने वाला भी आदमी है, कार को चलाने वाला भी आदमी है, साइकिल चलाने वाला भी आदमी है, ठेला चलाने वाला भी आदमी है, ऐसे ही हाथी चलाने वाला भी आत्मा है, गधे को चलाने वाला भी आत्मा है, मनुष्य को चलाने वाला भी आत्मा है, छिपकली को चलाने वाला भी आत्मा है, चींटी को चलाने वाला आत्मा है, सबके अंदर एक जैसी आत्मा होती है। ध्यान दें, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न है, इसलिए आत्मा की दृष्टि से देखता है। ये नहीं देखता ये तो घटिया आदमी, नहीं, आप उसके घटिया शरीर से घृणा कर सकते हो लेकिन उसकी आत्मा से नहीं। जैसे जीसस ने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। किसी से कोई गलत कार्य हो गया तो उस कार्य से घृणा करो ना, उस कार्य के करने वाले से क्यों घृणा कर रहे हो, उसमें तो सुधरने की वृत्ति है, वो तो सुधर सकता है। इसलिए समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। अर्थात हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बोले ऐसी स्थिति में हमें जीवों से घृणा न करके उन जीवों पर दया करनी चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय वर्णन हुआ, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। जो आपसी भेद हैं वो शरीर के कारण है, चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। इसके पश्चात राजसी किसको कहते हैं, पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे ही तुम राजसी मानो।
अब आत्मा को भुला दिया, आत्मा को बैकग्राउंड के रूप में देख नहीं रहा है, सिर्फ सामने जैसे शरीर दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार वो शरीर के स्तर पर कार्य कर रहा है। अब जैसे शरीर किसी हीन जाति में पैदा हुआ तो उसको हीन दृष्टि से देख रहा है, शरीर उच्च जाति में पैदा हुआ तो उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, मतलब रजोगुणी व्यक्ति है, भेदभाव करके देख रहा है। भेदभाव के अनुसार नहीं देखना चाहिए। इसलिए भक्त लोग जो हो जाते हैं बोले हाँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। जो भक्त बन जाता है वो जाति पाति से ऊपर उठ जाता है, हमको सतोगुणी ज्ञान से उठ जाता है। इसलिए कह रहे हैं यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, और सबकी ज्यादातर यही धारणा रहती है, और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है बोले वो राजसी ज्ञान वाला है। अब भौतिकतावादी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो PhD होल्डर हैं, और सबके दिमाग में ऐसी बात बैठी रहती है शरीर खत्म मतलब सब खत्म, ऐसा नहीं होता भैया। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। व्यक्ति सोचता है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, इसलिए मुर्गे को खा लो, बकरे को खा लो, और जितने भी बाकी जीव है उन सबको खा लो, बस खुद जिंदे रहो, अलग आओ देखता है, अपनापन नहीं देखता। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे, शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर पर कोई पृथक आत्मा नहीं है, उनके अनुसार ऐसा सोचा जाता है कि मैं ही शरीर ही हूं बस, बाकी कुछ नहीं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, कोई परे सर्वव्यापी आत्मा नहीं है, ये सब चीजें ऐसे ही चल रही है बस। इसके पश्चात क्या बता रहे हैं? बोले तमोगुणी ज्ञान कैसे कहते हैं, यत्तु कृत्स्नन वत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थ, बोले अतत्वार्थ वत अल्पम च तत्तामसम उदाहरतम्। अर्थात वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर, वो सोचता बस काम काम काम, बस काम की पूर्ति हो जाए, बस भोग मिल जाए, बस यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। सबसे घृणित है ये, सबका शत्रु है ये, जिसको गीता में भगवान ने कहा सर्वभक्षी, ये सब कुछ खा जाने वाला, और संसारी, हर संसारी इसी को सब कुछ मानता है। संसारी व्यक्ति सोचता है अरे मेरे बेटा बेटी का ब्याह नहीं हुआ तो बेचारे दुख भोगेंगे, इनको तो सुख मिला ही नहीं, वो ऐसा समझता है। मतलब ब्याह करना वो सुख का सब कुछ मान लेता है, सुख का सार मान लेता है, जबकि अति तुच्छ अति घृणित कार्य है, लेकिन उसको वो सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। बोले वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। रूपा जी क्या लिख रहे हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, हम सबका प्राय, सामान्य लोग हैं हम सभी, प्राय हम सबका तामसी ज्ञान होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, अब बताओ हम में से कितने सारे लोगों ने शास्त्रों से ज्ञान अर्जित किया है? एक सामान्य व्यक्ति पैदा होता है, सामान्य स्कूल में डाल देते हैं, इसे कहते हैं पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल मतलब सामान्य जनों का स्कूल, पब्लिक का स्कूल, और उसे समझते हैं बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली हमने। अर्थात जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, उसे शास्त्रीय आदेशानुसार कार्य करने की चिंता भी नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और शास्त्र कहता है पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप,
दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। लेकिन हम इसी ज्ञान के द्वारा विकसित हुए हैं संसारी, हम सोचते बस पैसा बस पैसा बस पैसा, धनी ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है, वो ऐसा सोचता है, वो कभी नहीं सोचता कि भगवान की तुष्टि करनी चाहिए, गुरु जी की तुष्टि करनी चाहिए, बस शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि होनी चाहिए, अर्थात इंद्रिय भोग। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। आप धन कमा लिए, आपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लिया, हमारी दृष्टि में तो हम सोचते हैं हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन हमारा सक्सेस का एस भी शुरुआत नहीं हुई अभी, हमने सक्सेस की एस भी शुरुआत नहीं, संबंध ही नहीं जुड़ा अभी भगवान से। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, ये सब पशुओं का ज्ञान है, तमोगुणी जहां क्या दिखाया जाता है, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने जैसा ज्ञान है। अर्थात इसको प्रभुपाद जी क्या लिखा, जो अति तुच्छ है, अति तुच्छ मतलब तुच्छ प्राणी भी पा रहे हैं जिस चीज को, उस ज्ञान के द्वारा हम उन्हीं चार चीजों को पा रहे हैं, तो हमने तो अति तुच्छ, बताओ कितने बड़े तामसी लोग हैं, कितने बड़े तामसी ज्ञानी, राजसी ज्ञानी भी नहीं, घोर तामसी ज्ञानी है। मैथुन को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे ज्ञान को यहां पर तमोगुण से उत्पन्न होना बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से अलौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा प्रकार के द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद में जन्म लें, वह राजसी है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, तामसी ज्ञान कौन सा था हमने देखा, दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जैसे अभी हम ले रहे हैं आत्मा संबंधी ज्ञान, और जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन अर्थात मनोधर्म, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत या नाना प्रकार के बाद, बाद मतलब बहसबाजी, मेरा ऐसा कहना, नहीं नहीं मैं आपकी बात को नहीं मानता, मेरा ऐसा कहना, वो कहे नहीं नहीं मेरा ऐसा कहना, हर व्यक्ति अपना झंडा गाड़ेगा, अपना खूंटा गाड़ने का प्रयास करता है, उसको कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत लागू कर करके, अपने अपने सिद्धांत लागू कर करके लोग राजसी ज्ञान को थोपते हैं, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले को, वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है, शरीर का सुख। इस प्रकार से राजसी तामसी ज्ञान को भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हमें सीखना चाहिए, पता लगा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में अभी कौन सा ज्ञान चल रहा है। आज हम 23वें श्लोक तक, 22वें श्लोक तक चर्चा कर पाए, समय हो गया है, आगे के श्लोकों में और हम थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे। आप सभी लोग उत्साह से भाग लीजिए, साधारण अध्याय को अच्छी तरह से ध्यान से, विशेष रूप से तामसी व्यक्ति, आलसी, नींद और प्रमाद, राजसी व्यक्ति क्रियाशील है अपने भोगों के लिए, शरीर को सुखी बनाने के लिए, जबकि शरीर नष्ट होने वाला ही है, फिर भी मूर्खता के कारण शरीर को सुख देना चाहता है, तो क्या शरीर को वैरी छोड़ दिया जाए ऐसे ही, उस ध्यान नहीं रखना चाहिए, बोले शरीर का ध्यान रखना चाहिए सात्विक ज्ञानी बन करके, साधन में लगाने, साधन भक्ति में लगाने के लिए भाई साधन करना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ करके साधन करना है, आदेश का पालन करना है, शास्त्रीय आदेश का पालन करना है, तो शरीर सुबह जल्दी उठेगा, और जल्दी उठ करके जमाई नहीं लेनी है, कथा बड़े ध्यान से सुननी है, अलर्ट होकर के सुननी है, वो कैसे सुन पाएंगे, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा, अब जल्दी सोएंगे कैसे, बोले लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, उसके लिए बाकी लोगों को शांत करके बाकी लोगों को भी सुलाना पड़ेगा, वो कब ऐसा कर पाएंगे, भूख लगी होगी और लाइटें बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, बोले नहीं सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करना पड़ेगा, जैसे हमारे वीरेंद्र प्रभु हैं, उन्होंने तो शाम को खाना ही छोड़ दिया, कितनी बड़ी तपस्या है, कुछ लोगों ने खाना है तो सूर्यास्त से पहले खा लो,
जिससे कि थोड़ा चल फिर करके पच जाए और लेटने लायक हम बन जाए। लेकिन हम सोते समय इतना ज्यादा ठूस लेते हैं कि ना आड़े बैठा जाता है ना सीधे बैठा जाता है। फिर कोई इनो खोलने के लिए भागता है तो कोई हर खाने के लिए भागता है तो कोई नींबू नमक निचोड़ करके पीने की चेष्टा करता है। आधी रात तक तो वही स्थिति बन जाती है कि लेट कैसे पाए, क्योंकि इतना पेट फूल करके बाजरे की रोटी खा लिया या कुछ ऐसी रोटी खा लिया जो अंदर जाके अभी फूलेगी, पानी डाला तो फूल रही है वो, तो कैसे लेट पाएगा व्यक्ति? ना सीधा लेट पाता है ना आड़ा लेट पाता है, हालत खराब हो जाती है। इसलिए ये सब शास्त्रों का थोड़ा पालन करते हुए हमें शरीर का भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखता है सतुगुणी व्यक्ति भी और जीवन को भक्ति में लगाता है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवती था कि जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री गुरु महाराज की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।